दुर्ग नगर निगम की आयोजित सामान्य सभा की विशेष बैठक में भाजपा पार्षद दल ने विरोध की तख्ती लेकर पहुंचे सदन। वहीं पक्ष और विपक्ष ने सदन में मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाया। दुर्ग नगर निगम द्वारा आयोजित सामान्य सभा की विशेष बैठक बुधवार को दुर्ग के खालसा स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें पक्ष और विपक्ष ने सदन में जनहित मुद्दों को लेकर हो रही लापरवाहियों को लेकर आरोप लगाया। तो वहीं सदन में जाति प्रमाण पत्र को बनाए जाने को लेकर दुर्ग निगम के MIC प्रभारी अब्दुल गनी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए शहर की जनता के लिए सराहना की। भाई अजय वर्मा जी का प्रश्न था, हमने सबसे पहले तो इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं इस मंच से कि 2019 में उन्होंने सरलीकरण किया जाति प्रमाण बनाने के लिए, और सरलीकरण में उन्होंने उन मुद्दों को लेकर के जिसके वजह से जाति प्रमाण पत्र बन नहीं पा रहा था, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए, हमारे छत्तीसगढ़ के निवासियों के भविष्य को देखते हुए इस बनाने की प्रक्रिया को शिथिल किया, और आज हम इस पे बैठक करके हमारे समान सभा के माध्यम से हम अपने शहर के पिछले बैठक में लगभग 161 लोगों का हमने आवेदन भेजा था। हम ईमानदारी से हमारे सत्ता पक्ष विपक्ष सब ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सभी योजना को आगे बढ़ाया, और इस योजना के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनना प्रारंभ हुआ। तो वहीं भाजपा के पार्षद नरेंद्र बंजारे ने माननीय सदन के सामने जाति प्रमाण पत्र को लेकर अपना उद्बोधन दिया। हम मानते हैं कि आपके मुख्यमंत्री महोदय जी की मंशा छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए बहुत सुखद रहती है, लेकिन ये सिर्फ दुर्ग नगर निगम का जो कार्य होता है या सामान्य सभा में प्रस्ताव पास होता है वो कार्य अमल क्यों नहीं होता। सिर्फ दुर्ग शहर के अधिकारी लोग उसकी बात नहीं सुनते, आप मानेंगे नहीं, इस सभा की जो ताकत होती है, इसमें जो प्रस्ताव पास होता है उसका कोई भी अधिकारी उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सारे जिम्मेदार उसमें जो पात्र जो भेजे हैं उस पात्र की सूची में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो ये सदन जिम्मेदार होता है। उसके बाद 6 महीने पूर्व से पहले भेजे हुए प्रकरण, मेरे वार्ड के भी प्रकरण थे उसमें, जिसमें एक साथी समाज जो होता है जो टांगा चलाने वाले नारायणी जी भी उस वार्ड से आते हैं, उसका भी वार्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके यहाँ जमीन का पेपर कोई दस्तावेज पढ़े लिखे नहीं थे, तो एक आशा की किरण जगी दुर्ग शहर में कि जाति प्रमाण पत्र इनका बनेगा। उनके कारण से आप मानेंगे नहीं, कई वार्डों में आरक्षण जो है, देखिए इसकी दूरगामी परिणाम कितने सुनहरे होते हैं, वार्डों का आरक्षण भी बदलाव होगा। इसके साथ स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोखर ने अपने विषय पर बोलते हुए भाजपा पार्षद मीना सिंह पर कटाक्ष किया, जिससे आक्रोशित भाजपाई पार्षद ने भी उद्बोधन दे रहे प्रभारी का घेराव कर विरोध जताया। अभी नया जोश है, आप लोग अपना योगदान ग्रहण करिए, अपने योगदान दीजिए, हमने सबकी बात सुनिए, आपको जो बोलना होगा आइए माइक में बोल रहे हैं, आपको वेलकम रहेगा, आप बैठिए। मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए। माननीय पार्षद से अनुरोध है अपने स्थान ग्रहण करें, गलत बात, स्थान ग्रहण करिए, आप अपने स्थान ग्रहण करिए। अरे भाई क्या झूठ से भाजपा बोले, 15 साल काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप लोग बैठो, आप बैठिए, बता दें दुर्ग निगम के सामान्य सभा की विशेष बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य शासन के निर्देशानुसार जाति प्रमाण पत्र हेतु 12/6/2022 से 16/3/2023 तक कुल 451 आवेदन ही प्राप्त हुए। वहीं आवेदनों को ARI द्वारा भौतिक सत्यापन एवं पंचनामा किए जाने के बाद 393 पात्र हितग्राहियों एवं 58 अपात्र हितग्राहियों की सूची तैयार की गई, जिसके बाद सदन में पूरे समय जाति प्रमाण पत्र बनाने को लेकर चर्चा होती रही और क्रमवार पार्षदों से राय शुमारी भी की गई। वहीं सामान्य सभा में विरोध करते उपस्थित भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय
वर्मा और भाजपा पार्षद अजीत वैद ने अपनी पीड़ा बताई। आप सभी को ज्ञात है जाति प्रमाण पत्र एक, मैं उसी समाज से बिलोंग करता हूँ, मेरे समाज के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए एक इतनी बड़ी विडंबना है, इतनी बड़ी परेशानी है, मेरे समाज का एक एक बच्चा त्राही त्राही परेशान हो गया है, यहाँ तक के स्कॉलरशिप नौकरी प्रमोशन कॉलेज में जाने से कॉलेज वाले एक लाइन में बोलते थे जाति प्रमाण पत्र लाइए, स्कूल में जाति प्रमाण पत्र जाइए, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। ये इतना बड़ा मुद्दा था पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया जी को जिन्होंने मेरे समाज के लिए सोचा, मेरे समाज के लिए सोचा, अनुसूचित जनजाति इस वर्ग के लिए सोचा, मैं दिल से धन्यवाद दूंगा। लेकिन आज मेरा पूरा समाज जिस विडंबना से और जिस परेशानी से गुजर रहा है, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है 161 आवेदक जितने पिछले साल हम जो दिए थे वो सारे आवेदक लगभग 5-5 लोगों के साथ 10-10 लोगों के साथ मैं खुद SDM रावटी जी के पास गया हूँ, तुम्हारे विदेश तहसीलदार जी के पास गया हूँ, वो एक लेने खारिज करते थे 1950 का रिकॉर्ड लेकर कहाँ से लेकर आए यार, कहाँ से लेकर आई जनता 1950 का रिकॉर्ड कहाँ से लेकर आएगी, अरे छत्तीसगढ़ को बने हुए आज इंस्टॉल हुआ है, कहाँ से लेकर आएगी जनता। ठीक है 1950 का रिकॉर्ड कई ऐसे रिकॉर्ड मांगने का एक कारण है, कई प्रवासी लोग हमारे छत्तीसगढ़ में आकर के अन्य सरकारी दस्तावेज पेश करके अपना जाति प्रमाण पत्र बना लेकर के और आरक्षण का लाभ उठा लेते हैं, लेकिन उस क्षणिक कुछ क्षणिक लोगों के कारण मेरा पूरा समाज मेरे पूरे अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग को ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा। पूर्णतल फैल है आज का वो विषय नहीं है मेरा, जाति प्रमाण पत्र में 50 वर्ष का जो रिकॉर्ड मांगा जाता था उसको कांग्रेस की सरकार ने दिखावा किया और कहा कि हम स्कूली दस्तावेज पे रिश्तेदारी के आधार पर पार्षदों के सत्यापन के आधार पर पंचनामा के आधार पर बेटी रोटी के आधार पर हम देंगे। हमने 3 बार इस विषय को पास किया है, आज ये 3री बार है। मैं जानना चाहता हूँ कि दुर्ग SDM आखिरकार पहले 8 महीना पहले जो उनके पास आवेदन गया है आज तक के क्यों उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बना के नहीं दिया, और ये इस महापंचायत की अवमानना है, ये 2 लाख लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की अवमानना है कि इन्होंने पास करके भेजा और एक भी व्यक्ति को या सरकार दिखावा कर रही है और या तो हमारे विधायक अयोग्य हैं, क्योंकि महासमुंद में राजनांदगांव में डोंगरगढ़ में इन जगहों में SDM ने जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया। दुर्ग SDM को माननीय विधायक जी लगातार निगम के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, क्या उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, इन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और विधायक केवल दिखावा करने के लिए वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये सारा ठिकरा मैं माननीय अरुण वोरा जी के ऊपर फोड़ता हूँ कि आप एक अयोग्य शासक हैं, आप अपने जनता के लिए लड़ नहीं सकते, केवल लड़ने का दिखावा करते हैं, इसलिए इनको जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि सामान्य सभा का समय हो गया है और वहाँ हम इनकी हक की लड़ाई पुरजोर ढंग से लड़ेंगे। इसी के साथ आपको बहुत साथ हुआ। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।